गाइज यदि आपको NIIT 3C के अंदर CSE ब्रांच चाहिए देन आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितना आने वाला है 2023 के लिए आपके कैटेगरी से। ठीक है, देखिए कैटेगरी रैंक के साथ यहाँ पर CRA रैंक के साथ आप हमको पूरा का पूरा समझाने वाले हैं। देन गाइज हमने यहाँ पर आपके लिए 2 से 3 PDF मर्ज किया है और यहाँ पर हमने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था NIIT 3C के ऊपर CSE ब्रांच के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बनाने का सोचा क्योंकि जो हमने पिछले बार में बताया था जोसा काउंसलिंग का अलग से और शिशाप काउंसलिंग का अलग से बताया था और आपको PDF प्रोवाइड की थी। ठीक है, यदि गाइज ये वीडियो आपको सच्ची में इंफॉर्मेटिव लग रही होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना कभी नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी नहीं भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कोटा है आपके लिए, यहाँ पर कैटेगरी रैंक देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी कैटेगरी है, सीट टाइप यानी कौन सा है, मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ पर रैंक टाइप देख सकते हो, CRA है, कैटेगरी रैंक है। CRA रैंक होता है वो डायरेक्टली आपको शिशाप के लिए यूज होता है और जो कैटेगरी रैंक होता है वो जोसा काउंसलिंग के लिए यूज होता है। जो जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट फिल की जाती है कॉलेजेस की जो भी ब्रांचेस की, वो कैटेगरी रैंक से फिल की जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम आपको अगले वीडियो दे देंगे। यदि आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देन गाइज यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हो, आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, मेल फीमेल यहाँ पर कोई माजला नहीं है। देन आपके लिए यहाँ पर CRA रैंक यानी शिशाप से यहाँ पर फिल हुआ है सीट। ठीक है, और इस शिशाप के लिए कब ये जाता है, ठीक है, ये कॉलेज कब जाता है, यदि आपका जो जोसा काउंसलिंग के अंदर फुलफिल नहीं हुआ है सीट तभी जाके आपको शिशाप के अंदर यहाँ पर मौका मिलता है एक बार फिर से इस कॉलेज के अंदर, कौन सा भी कॉलेज हो उसके अंदर आपको सीट मिलने का। ठीक है, यहाँ पर एक मौका मिल जाता है जोसा काउंसलिंग के बाद शिशाप के लिए। देन गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो CRA रैंक से आपको मिला है यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए होम स्टेट से। ठीक है, होम स्टेट की बात कर रहे हैं 4132 फीमेल कैट फीमेल के लिए यहाँ पर कैटेगरी रैंक से यानी जोसा काउंसलिंग से 5239। फिर वैसे ही PWD ओपन PWD के लिए 2016, EWS के लिए सर ओपन PWD फीमेल के लिए 405, EWS के लिए नॉर्मल EWS और PWD अलग सा। ठीक है, हमने यहाँ पर आप देख सकते हो आपके लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के साथ अलग अलग कोटा के साथ आपको यहाँ पर पूरा का पूरा PDF प्रोवाइड किया है। और ये जो डैश दिख रहा है ना वो डैश है, यहाँ पर उनके लिए सीट अवेलेबल नहीं है उन कॉलेज के अंदर। यदि आप सीट मैट्रिक्स देखोगे ना देन यहाँ पर आपको एक शीट मैट्रिक्स भी मिल जाता है सिंपल सा, जहाँ जहाँ ये शीट फिल हुई है। ठीक है, आपको कट ऑफ मिल जाता है उनके लिए यहाँ पर शीट अवेलेबल है, और जहाँ पर ये डैश दिखाई दे रहा है ना उनके लिए यहाँ पर शीट अवेलेबल नहीं है, उन्होंने दिया ही नहीं उस कैटेगरी के लिए। ठीक है, देन यहाँ पर STPWD के लिए यहाँ पर शीट नहीं है NIIT 3C के अंदर होम स्टेट से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो STPWD के लिए यहाँ पर भी शीट नहीं है। ठीक है, ऐसा एक कैटेगरी है वहाँ पर आपको मिल जाता है, होम स्टेट के अंदर उनको शीट नहीं है लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट के अंदर उनको शीट मिल गई है। ठीक है, जैसे कि ओपन PWD यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ओपन PWD के लिए सीट है लेकिन यहाँ पर ओपन PWD फीमेल के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। ठीक है, होम स्टेट से यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन PWD फीमेल के लिए एंड मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए यहाँ पर सीट मिल जाती है सेपरेटली, लेकिन यहाँ पर ओपन PWD के लिए अदर स्टेट से यहाँ पर सीट नहीं दी गई है फीमेल के लिए। ठीक है, देन गाइस ये पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हो, आपको यदि ये कन्फ्यूजन लग रहा है देन इसको हम सिंप्लीफाई करके अगला PDF आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन गाइस ये पूरा का पूरा PDF देखिएगा, ये कट ऑफ देखिएगा, ये बहुत ही आपके लिए काम आ सकते हैं क्योंकि आपको एक गोल मिल जाता है। ठीक है, मुझे इतना मार्क लाना है तभी जाके यानी इतना रैंक मुझे अचीव करना है तभी जाके मुझे NIIT 3C के अंदर CSE ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, और NIIT 3C के अंदर CSE ब्रांच के लिए बहुत सारे स्टूडेंट लगे पड़े हैं क्योंकि ये कॉलेज है ही वैसा बाप कॉलेज माना जाता है। ठीक है, देन गाइस ये वीडियो हर स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है, देन गाइस मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।